वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपको एक्सप्लेन भी की जाए, लेकिन इसका जो कंक्लूजन वो ये है कि कराची में ख़ास तौर पर जब आप एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं जिस पर जहाँ पर आपके पास वो डिपार्टमेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट्स हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी ऑफर कर रही है और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी भी ऑफर कर रहे हैं, तो लिहाजा मेरे बात करने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो हमारे नौजवान हैं, शागिर्द हैं, उनको काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम इंटीरियर सिंध में चले जाएँ तो कहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर एक कैंपस है जामशोर को छोड़कर, तो यहाँ कराची तो काफ़ी वसी है, जहाँ पर इतनी 26-27 तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और ऑलमोस्ट जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो तकरीबन हर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। तो हमारी गुज़श्ता 2 साल से ख़ास तौर पर एक बड़ी कामयाबी हमें हुई है जो मैं चाहता था कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि लास्ट 2 ईयर्स में हमने अराउंड 200% स्टूडेंट पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हुई है, जिसके लिए मुझे अपनी फैकल्टी, अपने ऑफिसर्स और अपने स्टाफ पर बड़ा फ़ख्र है। इन सब ने मिलकर ये एक हमने किया है कि इस कराची के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, और ये भी मैं बताता चलूँ कि आजकल के दौर में आपके भी बच्चे होंगे, आपको पता होगा कि आप अपने बेटे बेटी को फोर्स नहीं कर सकते कि ये पढ़ो और वहाँ जाकर पढ़ो। हाँ, ऑफ कोर्स आपके फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं जो बच्चों को भी समझनी चाहिए, मगर बाय एंड लार्ज आपके जो बच्चे हैं, आजकल के जो नौजवान हैं, जिसको मैं 21वीं सदी की पॉपुलेशन कहता हूँ, तो वो बड़े आज़ाद हैं और वो समझते हैं कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने इदारे की और बातें, जो भी हमारे प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, उन सब का वो कहते हैं कि जो कंक्लूजन है वो ये है कि माशाल्लाह गुज़श्ता 2 साल में हमारी जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो 200% इंक्रीज़ हुई है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रगुजार हूँ हमारे सब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया का, जो आप सब दोस्त यहाँ आए हैं और हमें मौका दिया कि हम आपको इस अपनी सॉर्ट ऑफ, जैसे हमारे डॉक्टर अमित साहब ने कहा, इट्स लाइक अ यूनिक, जैसे डॉक्टर आमिर ने कहा, नॉर्मली हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन आई एम वेरी मच फ्रेंकली स्पीकिंग इम्प्रेस बाय माय फैकल्टी, ऑल द फैकल्टीज हु आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम एंड पर्टिकुलरली डॉक्टर जायद एंड डॉक्टर आमिर हु आर हेडिंग दिस कमेटी। सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही डोमेन के बंदे आते हैं, कांग्रेस के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डोमेन्स के रिसर्चर आते हैं और आपस में इंटरेक्शन करते हैं, और यही आजकल रिसर्च का मकसद होता है कि सिर्फ एक डोमेन में रिसर्च ना हो, डिफरेंट डोमेन्स के रिसर्चर आपस में बैठ के फिर इंटरेक्शन करें ताकि ओवरऑल सोसाइटी को फायदा पड़े, और यही हमारा थीम है। अब कांग्रेस थीम है कि रीशेपिंग द सोसाइटी थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी सिर्फ हमने नाम के नहीं डाले हैं, हम आपको बताएंगे कि हम वो बाकायदा इनकॉर्पोरेट भी कर रहे हैं इन और एक्टिविटीज। हमारी कांग्रेस से द डेज ऑफ द कांग्रेस आर 8th and 9th of मार्च। हमारा जो पहला सेशन होगा वो होगा इनाग्रेशन का, दैट विल स्टार्ट एट 10 AM एंड विल लास्ट फॉर 1 hour and 30 minutes। इसमें एक्सपेक्टेड है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है उसको मुंबई किया है, होपफुली वो आ जाएगा, वरना सीएम साहब ने ऑलमोस्ट कन्फर्म किया है कि ही विल अटेंड दिस वन। उसके अलावा और भी हमारे जो है गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, उसमें हमारे 5 इंटरनेशनल स्पीकर्स उसमें आएंगे, वन इज़ कमिंग फ्रॉम द USA, अदर वन इज़ कमिंग फ्रॉम द UK, थर्ड वन इज़ कमिंग फ्रॉम द कनाडा, फोर्थ वन फ्रॉम द पोलैंड एंड फिफ्थ वन इज़ कमिंग फ्रॉम रशिया। उन्होंने कन्फर्म किया हुआ है, उनके टिकट्स वगैरह कन्फर्म हो चुकी हैं, खुदा ना खासा बीच में कुछ ना हो, अदरवाइज दैट्स कन्फर्म के दे आर कमिंग हियर। दे आर डोमेन्स आर डिफरेंट, दे आर टॉक ऑन देयर ओन डोमेन बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद हमारा फर्स्ट जो टेक्निकल सेशन होगा इसका कॉन्फ्रेंस का, दैट विल स्टार्ट एट 12। इस तरह से बाकी हमारे 5 टेक्निकल सेशंस होंगे ऑन ईच डे फॉर द टेक्निकल सेशंस। हमारे पैनल डिस्कशन भी हैं फॉर ईच कॉन्फ्रेंस, तो 5 हमारे कॉन्फ्रेंस हो रही हैं तो 5 हमारे पैनल डिस्कशन होंगे। एक हमारा पैनल डिस्कशन होगा अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द कांग्रेस, जिसमें ऑलमोस्ट 7 वाइस चांसलर साहबान फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं और कुछ और बंदे भी आ रहे हैं फ्रॉम द कॉर्पोरेशन, जो कि हमारी एक थीम भी बात करेंगे। उसके बाद हमारा कंक्लूजन सेशन होगा GRC ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस, जो होगा ऑन द नेक्स्ट डे
8:30 PM, तो वो भी एक या डेढ़ घंटे का चलेगा, उसके बाद वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें अभी तक जो प्रोग्रेस है वो है कि हमारे पास जो टोटल जो किसी भी कांग्रेस या कॉन्फ्रेंसेस की जो कमी होती है, एंड आल्सो एक्सेप्टेंस रेशियो आए थे, वो आए थे 294, उसमें से जो हमने एक्सेप्ट किए वो थे 247, तो 84 एक्सेप्टेंस रेशियो था ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट्स। 247 जैसे हमने एक्सेप्ट किए तो उसमें से हमें ऑलमोस्ट 230 पेपर्स रिसीव हुए, और आफ्टर अ रिगोरियस रिव्यू प्रोसेस हमने ओनली 165 पेपर्स एक्सेप्ट किए हैं, जो कि एक्सेप्टेंस रेट है 56%, यानी ऑलमोस्ट 50%। तो ये बड़ा स्टैंडर्ड होता है जो इंटरनेशनली देखा जाता है कि कितना रेशियो है ऑफ द पेपर्स विच आर बीइंग एक्सेप्टेड। ये भी यहाँ पे बताना पर्टिनेंट है कि हमारा जो रिव्यू प्रोसेस है उसमें एक नेशनल हमारा रिव्यूअर होता है और एक इंटरनेशनल होता है, तो उन्होंने ये पेपर्स को रिव्यू करके और उसके बाद ये हमारे पेपर है 156 ये पेपर्स होंगे जो यहाँ पे प्रेजेंट किए जाएंगे द होल ऑफ द कांग्रेस अंडर डिफरेंट हमारे जो है कॉन्फ्रेंसेस। इसमें टोटल जो सेशंस होंगे फॉर द होल ऑफ द कांग्रेस वो है 53 सेशंस, इट्स अ ह्यूज नंबर। इसमें जो हमारे इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 9 हैं, जो एज अ कीनोट स्पीकर, एज अ सेशन चेयर, एज अ कीनोट स्पीकर ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस, उसके बेस में आ रहे हैं। हमारे जो नेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ कीनोट स्पीकर फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस वो है 51, ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसमें एजे के भी है, उसमें पंजाब भी है, उसमें केपी के भी है, केपी के भी है, उसमें बलूचिस्तान भी है, उसमें सिंध के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज भी आ रहे हैं। उसके बाद हमारे सेशन चेयर्स हैं जो सेशन को चेयर करेंगे, उनका नंबर भी 51 है, उनके अलावा 51 के, तो ये भी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान आ रहे हैं, उसमें यूनिवर्सिटी का कोई भी नहीं है, एंड दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रोफेसर लेवल। उसके बाद को चेयर्स हैं, वो भी हमारे, उनका नंबर भी 51 है, तो दे आर अगेन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ द पाकिस्तान। तो ये 153 तो सिर्फ हमारे वो प्रोफेसर आ रहे हैं जो हमारे सेशन को चेयर, को चेयर और उसमें की नोटिस भी करेंगे। तो इस लिहाज से हमारे 36 जो हमारे पैनल डिस्कशन होंगे उसमें 36 पर्सन्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ रहे हैं, जिसमें CEOs भी हैं, जिसमें मिनिस्टर्स भी हैं, जिसमें और कैटेगरीज के बंदे भी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 102 ऐसे प्रोफेसर आ रहे हैं विच आर गोइंग टू हेड अ सेशन चेयर आर डिलीवर अ की नोट स्पीच इन द सेशंस, और टोटली 153 हमारे रिसर्चर आ रहे हैं जो सिर्फ सुपरविजन करेंगे रिसर्च के काम पर। और 165 तो हमारे रिसर्च पेपर्स हैं, अगर हम 3% भी पर पेपर काउंट करें तो ऑलमोस्ट 300 to 400 है। तो टोटली जो ये रिसर्चर का जो एक गैलेक्सी होगी वो देट विल ऑलमोस्ट टच द फिगर ऑफ 1000, व्हिच इज अ ह्यूज वन, जो कि कहीं भी ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारी तफसील थी रिगार्डिंग द कांग्रेस। इसमें हमारी डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज हैं, हमारा हर दिन उनके अंडर में जो कॉन्फ्रेंस आ रही है उसके बारे में ब्रीफ करेगा। थैंक यू। टेक्नोलॉजी में जो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हो रही है दैट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, और ये सेकेंड कॉन्फ्रेंस है इन द रूम। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे पास दो फॉरेन स्पीकर्स हैं, जिनमें डॉक्टर मेहमद आयदीन जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड से आ रहे हैं, और डॉक्टर मूसा अल कसूरी ये सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी ओमान से आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें 8 नेशनल स्पीकर्स हैं। टोटल जो इसमें एब्स्ट्रैक्ट सबमिट हुए 2056, जिसमें 43 एक्सेप्ट हुए, और फुल पेपर सबमिट हुए 38। आफ्टर द रिव्यू प्रोसेस उसमें 33 प्रोसेस जो फुल पेपर्स हैं वो एक्सेप्ट हुए। टोटल हमारे सेशंस होंगे 8 इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और 8 ही इसमें सेशन चेयर होंगे और को चेयर होंगे। बेसिकली इसमें जो फोकस है दैट इज़ इनोवेशन, क्योंकि हमारी जो थीम है दैट इज जो सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन, तो IT कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक थीम में जो पार्ट है दैट इज़ इनोवेशन। और हमारे जो सब थीम्स के अंदर बेसिकली जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर द एंशंट लैंग्वेजेस, जो कदीम लैंग्वेजेस है जैसे मौजूदा दौर की लैंग्वेज है, उस हवाले से हमारे जो है मकालात हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये एक ऐसी कैफियत होती है जो कि किसी भी स्ट्रेसफुल मतलब इंसिडेंट के बाद इंसान की तारी हो जाती है, दैट कैन बी क्योर बाय द वर्चुअल रियलिटी। सो ये फ्यू ऑफ द थीम्स जो है हमारे इस कॉन्फ्रेंसेस के। दूसरी जो इसमें कॉन्फ्रेंस अंडर दिस अंडर जो मेरी डीनशिप के अंदर आ रही है दैट इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ग्रीन सस्टेन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बाय द फैकल्टी ऑफ साइंसेस। इसमें भी हमारे पास
45 पेपर सबमिट हुए, एक्सेप्टेड 43 हुए और 8 इसके अंदर सेशंस हैं और इंटरनेशनल स्पीकर इसमें एक आ रहे हैं, 1 इंटरनेशनल स्पीकर और 8 नेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं। सेशन चेयर इसमें 8 होंगे, इसी तरह से को चेयर भी सेशन। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। लाभ वठो पा असि ग्रांट इन कॉन्फ्रेंस में जो असि पंज कॉन्फ्रेंसिस उन कॉन्फ्रेंस के लिए जो असि एनवायरमेंट साइंसिस है उनके लिए असं सिंध हायर एजुकेशन कमीशन जो सिंध गवर्नमेंट जो अंडर में है उन्हें असो सपोर्ट किया हंधन से असं लिखो आ पर स्टिल वी आर वेटिंग फेडरल हायर एजुकेशन भी कदी रही ग्रांट्स पर अजा ती असो वी आर वेटिंग for the response.